अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कामन कोल्ड, नज़ला ज़ुकाम और हे फीवर की एक ज़बरदस्त मेडिसिन आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और बहुत जल्द नज़ला ज़ुकाम की अलामत को कवर करती है, जिसका नाम है एलियम सीपा। एलियम सीपा जो है ये नाक के अंदर जो बलगमी झिल्लियाँ हैं उनके अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए, उनके से अगर पानी निकलना शुरू हो जाए नाक से, तो एलियम सीपा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो मरीज़ होते हैं उनके नाक से बहुत तेज़ी के साथ पानी आता है और वो इतना एक्रेड और ख़राशदार होता है कि वो ऊपर वाले होंठ को भी छील देता है और नोज़ को भी अंदर से वो छील देता है, ज़ख्मी कर देता है। और इसकी अगर आँखों से भी पानी आ रहा हो और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा हो, तो एलियम सीपा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसमें एक फ़र्क समझने वाली बात है कि नाक से जो पानी आता है, जो एक्सक्रीशन होती है, वो बहुत एक्रेट होती है, लेकिन आँखों से जो पानी आता है वो ब्लैंड होता है और ख़राश पैदा नहीं करता। ये इसकी एक खसूसियत है। दूसरी बात ये है कि इसके मरीज़ को प्यास बहुत लगती है और उसको गर्मी बहुत लगती है। अच्छा, इसकी जो नज़ला ज़ुकाम की अलामत हैं वो गर्म कमरे में जाने से, गर्म घर के अंदर रहने से वो बढ़ती हैं और शाम के करीब बढ़ती हैं। अगर मरीज़ खुली हवा में जाता है तो उसको नज़ला ज़ुकाम के अंदर थोड़ा सा आराम महसूस होता है। फिर इसका जो लेरिंग्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। मरीज़ को जब खांसी होती है तो उसको ऐसे लगता है जैसे उसका गला फट जाएगा, ठीक है। और अक्सर कार जो मरीज़ होता है वो खांसी करते हुए अपने गले को थाम लेता है ताकि उस कम से कम प्रेशर जो है वो लेरिंग्स वगैरह पे जाए और ताकि उसको दर्द ज़्यादा ना हो। और गले के अंदर इसमें टिंगलिंग फील होती है, स्वेलिंग फील होती है और झुंझलाहट होती है, गुदगुदी फील होती है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह के सिम्टम आप फील करते हैं तो आप एलियम सीपा की 30 पोटेंसी दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें या और अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ इसको 200 या 100 पोटेंसी में भी लिया जा सकता है। और ये बहुत ही मेडिसिन जो है कामन कोल्ड के लिए, हे फीवर के लिए और आम नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अस्सलामु अलैकुम।